बैटरी आपके मोबाइल की अगर लो हो रही है तो क्यों, कैसे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल की बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, तीनों के तीनों तरीके बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे, आपने इनको जो है वो फॉलो करना है, इनके जरिए से आपके मोबाइल की बैटरी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट नंबर पे जो मेथड आता है वो जो है वो आपने अपनी चार्जिंग के दौरान उसकी केयर खुद करनी है। तो कौन सा मेथड है, जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो आप उसको कभी भी 100% तक चार्ज नहीं करेंगे, आप उसको 95% तक रहने दीजिएगा, और उसके बाद जब आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे तो कम अज कम आप उसको 15% तक, जब आपकी बैटरी ना आ जाए आप तब तक उसको चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे। तो ये सबसे पहला मेथड था जो कि आपने अडॉप्ट करना है अपने मोबाइल की बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो आपने प्रैक्टिकली खुद करना है, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद चेक करवा देता हूं और आपने उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है अपने मोबाइल पर। तो चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेथड नंबर 2 बता देता हूँ जिसके जरिए से आप अपने मोबाइल की बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को इस्तेमाल करता हूँ, इधर मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। YouTube पे मैं जो है वो वीडियोस देखता हूँ या कोई भी काम मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे YouTube पे मैंने वीडियोस जो है वो देख ली, जितनी मैंने देखनी थी या जितना मैंने इसको इस्तेमाल करना था मैंने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है वो Facebook ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। Facebook मैंने ओपन कर ली, ये देखिए यहाँ पे मैंने Facebook को ओपन कर लिया। Facebook के बाद अब मैं यहाँ पे Facebook को इस्तेमाल करता हूँ जितना मैंने इसको इस्तेमाल करना था। इसके बाद जो है मैं कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं अपनी सर्चिज़ करता हूँ, जितना मैंने इसको इस्तेमाल करना था मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते जाते हैं और आप उनको कट नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है, जब आप अपने मोबाइल के अंदर सारा दिन में जितनी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं आप उनको कट नहीं करते, वो आपके मोबाइल के बैकएंड पे रनिंग पे रहती हैं और आपका मोबाइल इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करती रहती हैं और आपकी मोबाइल बैटरी जो है वो जल्दी डाउन हो जाती है। तो आप जब भी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर लें आपने अपने मोबाइल की यूजेज लिस्ट को इस तरह से लेके आना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पे अपनी मोबाइल यूजेज लिस्ट लेकर आएंगे आपने उसको कट आउट कर देना है, सारी लिस्ट को आपने या तो वन बाय वन या क्लियर ऑल कर देना है और अपने मोबाइल की यूजेज लिस्ट को क्लियर कर देना है। और इसके अलावा अगर आपका मोबाइल डाटा ऑन है तो आप वो भी ऑफ कर दें, जब आपने उसको इस्तेमाल करना होता है तो तब आप उसको ऑन कर सकते हैं, जब आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना तो आप उसको ऑफ ही रहने दें। इसके बाद मेथड नंबर 3 जो है वो भी आपको मोबाइल स्क्रीन पर ही मिलेगा, आपको मैं यहाँ पे वो भी चेक करवा देता हूँ। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर हम देख लेते हैं कि तीसरा मेथड जो आपने बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए अपने मोबाइल के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो वो कौन सा है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पे मेथड था जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके जरिए से आप अपने मोबाइल की बैटरी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और वाकई ही में आपके मोबाइल की बैटरी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, क्या आपने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करनी है, यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो है वो ऐप्स पे जाता हूँ, ठीक है। ऐप्स पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आगे आपकी मोबाइल सेटिंग्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। मेरे पास मेरा सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास अगर वीवो, हवावे, MI या कोई भी मोबाइल है आप अपने मोबाइल की इस तरह से सेटिंग्स के अंदर आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस का या ऐप्स का या जो है वो ऐप मैनेजमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ऐप्स का ऑप्शन है, तो सैमसंग में ऐप्स का ही ऑप्शन आएगा आपको, तो आपको कोई भी इस तरह से ऐप्स का या ऐप्स मैनेजमेंट या एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आपने उसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मोबाइल की सिस्टम ऐप्स शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगी आपने उनको यूज करना है, आपने उनको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है मुझे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास ये APK एडिटर एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मोबाइल डाटा वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको या तो डाटा का या मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज या बैकग्राउंड डाटा यूजेज, आपको ये ऑप्शन ऑन मिलेगा, आपने इसको ऑफ कर देना है। इस तरह से आपने वन बाय वन तमाम एप्लीकेशंस को आपने ऑफ कर देना है। ये इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड पे डाटा यूज करती हैं, जो एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड पे इंटरनेट एक्सेस जो है वो इस्तेमाल करती हैं, तो वो जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, आपका मोबाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता रहेगा, आपकी मोबाइल की बैटरी जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की बैटरी टाइमिंग को इनक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को फॉलो करेंगे तो आप अपने मोबाइल की बैटरी टाइमिंग को बहुत हद तक इनक्रीज करवा सकते हैं। वीडियो अगर आज की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज थम्स अप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी से कीजिएगा। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी सुजेस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं, या इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पे आप मुझे वो सुजेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।